हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ज्योग्राफी का बस कुछ ही बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक मेरे हिसाब से। लेकिन आप लोग बताना कि क्या आप लोग चाहते हो जो बाद का टॉपिक है, जो बेसिक बेसिक टॉपिक है, बस याद करने वाला टॉपिक है, उसको भी मैं कवर करूं तो आप, मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप बोलना क्लियर, इस वीडियो के बाद आपको बोलना होगा, क्योंकि ये वीडियो वो वाला टॉपिक है जिसके बाद मुझे लगता है कि मैं उसको छोड़ भी सकता हूँ, ज्योग्राफी वाले पोर्शन को। लेकिन आप बताओगे तो मैं, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के पास बास बुक नहीं है, हो सकता है बहुत लोग जॉब में हैं, उसके पास उनके पास टाइम नहीं मिलता है, वो लोग वीडियो पे डिपेंड करते हैं ताकि चलते फिरते सुन सके और आराम से समझ सके और याद कर सके। क्लियर, तो वैसे लोग के लिए भी मैं बना सकता हूँ। क्लियर, तो बताइए। सबसे पहले चलिए अब डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने रोड के बारे में डिस्कस किया एक वीडियो में, उसके बाद दूसरे वीडियो में रेलवे, और उसके रेलवे प्लस हमने एयर ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करना है मरीन, जिसमें हम इनलैंड वाटरवेज डिस्कस करेंगे और ओशैनिक, और एक साथ हम पोर्ट वगैरह बताएंगे, और जो हमारा नेशनल वाटरवेज 1 to 5 है उसको बताएंगे, क्योंकि बहुत प्रपोज तो ऑलमोस्ट 100+ है, लेकिन इतने मतलब ये सब कुछ, इस पर कुछ काम नहीं हुआ है, इन सब पे थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, खासकर 1 तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है प्रोसेस। क्लियर, और थोड़ा बहुत उस पर चलता भी है, उस पर कहीं कहीं पे। क्लियर, तो इसको डिस्कस करना है, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको आपको पता ही है मेरा नंबर, आप उसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और आपको ग्रुप में ज्वाइन करना तो आप इसी नंबर पे मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर दिया, और सिंपल मुझे कि ग्रुप में ज्वाइन कर दें, क्योंकि मेरे पास कई ग्रुप है, तो क्योंकि क्लास 11th के भी ग्रुप है, क्लास 12th के भी ग्रुप है, तो आप बता देना लुसेंट या गवर्नमेंट जॉब वाला जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर देने के लिए, तो मैं डाल दूंगा। क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पे और भी सारे टर्म्स और भी बहुत सारे कोर्सेस लाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका मन है कंट्रीब्यूट करने का और आप कर सकते हो तो प्लीज़ करना, क्योंकि जितना हेल्प आप लोग की तरफ से होगा, या सिंपल हम समझते हैं कि सोसाइटी को हम देते हैं तो सोसाइटी भी हमें कुछ ना कुछ मदद करने का ट्राई करती है। और क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर, और कुछ भी मैं बोला हूँ मैं देना, मतलब मिनिमम, मैं ऐसा नहीं कोई 150, मतलब इससे मैं नीचे ही बोलता हूँ। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक फैक्ट अब से सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल एस्टाब्लिश किया गया था 1887 में। सबसे पहले एक ध्यान दीजिए, ट्रिब्यूनल का मतलब मान होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हल के कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सेटलमेंट किया जा सके और थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सके, क्योंकि ऐसे ट्रिब्यूनल में ऐसे लोग बैठेंगे जो एक्सपर्ट हो गए ट्रिब्यूनल के, जैसे सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल बहुत सारे बनाए जाते हैं। अभी तो एक एक बिल ला गया गया है जिसमें जितने भी ट्रिब्यूनल है उस सबको कंबाइन करने की बात की गई है। क्लियर, इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में। क्लियर, आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो दो करते हैं, एक है इनलैंड की बात करते हैं और एक ओशन की बात करते हैं। इनलैंड चाहे रिवर से जाओ, लेक से जाओ, कहीं रास्ता मान लो रिवर यहाँ तक है और यहाँ के बाद बहुत पतली रिवर है, तो आप यहाँ से यहाँ तक तो कोई कैनाल से जोड़ दो ताकि वो रिवर बाद में फिर से ज्वाइन कर लें, लेक से। क्लियर, बोट स्ट्रीमर से। क्लियर, ओशन में दो होता है, कोस्टल शिपिंग एक ओवरसीज शिपिंग। कोस्टल मतलब हमारे एक जगह से दूसरे जगह। क्लियर, मान लो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, या अभी आपको जैसे पता है गुजरात में ऐसे बन रहा है, क्योंकि गुजरात को पूरा घूम के जाना पड़ता था रास्ते में, अब यहाँ पे कुछ रो रो सर्विस करके नाम है। क्लियर, ये ओपन हो रहा है, ये कोस्टल शिपिंग के लिए है। ओवरसीज शिपिंग लाइनर्स होते हैं, ट्रैम्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, कार्गो और पैसेंजर दोनों के लिए। क्लियर, अब एक हमारा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमें डेवलप करना है अपना सारा, हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देना, किसको, पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है। क्यों क्यों करना है भाई, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई बहुत सस्ता हो जाता है, कोई भी सामान आपको भेजना है इन वाटर में इतना सस्ता होता है। हाईवे में देखो रेट, देखो ना आप, 1 रुपया के जगह पे ही 2.5 रुपया लगता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.36 पैसा लगता है। क्लियर, 100 की जगह पे 136 रुपया लगता है,
तो सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, कि हमारे कोई एरिया का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे, अगर पोर्ट हो जाएगा तो बाकी चीज़ें भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं ना। तो सागरमाला प्रोजेक्ट बस ये ध्यान रखिए कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है, बस ध्यान में यही रख लेना है, क्लियर। और क्योंकि इससे फ़ायदा होगा, ऑलमोस्ट बता रही है ये डेटा, आपको मत नहीं याद रखना है, बस अगर लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइज होगी तो हमारा मतलब आपका खर्चा बचने की बात कर रही है। कौन बोल रहा है? शिपिंग मिनिस्ट्री बोल रही है, उनकी स्टडी में सामने आया है, क्लियर। अब एक और है, क्योंकि हमें इनलैंड वाटर को डेवलप करना है, गंगा से आपको उत्तर प्रदेश से बिहार जाना है, वाटर के माध्यम से जा रहे हैं, तो इसका 1986 में लाया गया, क्यों? ताकि डेवलपमेंट और रेगुलेशन किया जा सके इनलैंड वाटर बेज का, किसके लिए? शिपिंग के लिए भी और नेविगेशन के लिए भी, क्लियर। प्राइमरली क्या होता है इनका, प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इनलैंड वाटर बेज, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल वाटर बेज थ्रू रिसीव फ्रॉम द, देखो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पैसा देगी, और ये मान लो एक बॉडी है जिसका काम है, कि जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं था, सेम इस तरह वाटर बेज के लिए है, इनलैंड वाटर बेज अथॉरिटी, सिर्फ इनलैंड के लिए, जैसे आपको नहीं पता है इस वाले रोड के लिए, जैसे ऐसे रोड है ये वही काम करें, इलाहाबाद से जाना है आपको हल्दिया तो सीधे इससे जल्दी जल्दी पहुंचे, नहीं तो ऐसे रोड से जाओगे इतना महंगा आपका पड़ेगा, क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपसे पूछ जा सकता है, इनलैंड वाटर बेज अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है नोएडा, रीजनल ऑफिस बिहार में भी है, पटना में, कोलकाता में भी है, गुवाहाटी में भी है, और कोची में भी है, और सब ऑफिस और जगह है, क्लियर। तो नेशनल वाटर बेज पहला, देखो ध्यान दें, टोटल 6 नेशनल वाटर बेज है, सब में थोड़ा थोड़ा काम प्रोसेस हो चुका है, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि प्रोपोज तो लगभग 106 के आसपास है, तो नेशनल वाटर बेज 1 है, कहाँ से कहाँ तक, हल्दिया टू अलाहाबाद, हल्दिया है वेस्ट बंगाल में और अलाहाबाद है, आप बस इसको देख लीजिए कि किसका लेंथ सबसे ज़्यादा है और किसका लेंथ सबसे कम है, बस ये दो चीज़ ध्यान दीजिए। हल्दिया का लेंथ है 1620, और उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर सीधा सीधा ये आता है NH4 आता है, क्लियर, NH4 जिसमें गोदावरी कृष्णा से होके हुए और बीच में एक कैनाल आती है, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा का बल थोड़ा अलग अलग रूट है ना, गोदावरी अलग कृष्णा अलग, तो थोड़ा दूर पे आप कैनाल का व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा दूर पे आप कैनाल का व्यवस्था कर दीजिए, जैसे इलूरू कैनल नहीं है, और क्लियर, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्लियर, ऐसी मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए ऐसे कोई रास्ता से जाएगा सीधे ऐसे आ जाएगा, कितना सस्ता पड़ेगा, तो सिंपल सबको याद ज़्यादा नहीं करता है, हल्दिया टू अलाहाबाद पहला, इसमें कौन कौन स्टेट है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, और 3 इसका जो नेशनल वाटर बेज का, ध्यान देना, नेशनल जो वाटर बेज 1 है, नेशनल वाटर बेज 1 है, उसके जगह पे 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बन चुका है, मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब जहाँ पे रुकेगी वगैरह बीच बीच में, एक वाराणसी में, एक साहिबगंज जो कि झारखंड में है, एक फरक्का जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, क्लियर। और इसको इसको कौन हेल्प कर रहा है, ध्यान देना, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट किसका नाम है भाई, नेशनल वाटर बेज 1 को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाई गई थी, जिस प्रोजेक्ट का नाम था जल मार्ग का विकास करना है, उस प्रोजेक्ट का क्या काम कर, क्यों, क्योंकि एक मतलब फॉर किसके लिए है, ताकि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन फॉर नेविगेशन ऑन नेशनल वाटर बेज 1, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल वाटर बेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटर बेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसको सपोर्ट कौन करे, ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करे, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, कितना ऑलमोस्ट मतलब कितना लेंथ है टोटल, कितना 1380 मीटर लेंथ है और 3 मीटर डेप्थ है, और लेकिन यहाँ पे 1620 दिया हुआ है, वो डेटा देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 1620 तो यही यही सही होगा, क्योंकि ये मैंने कहीं और से लिखा होगा तो ये गलत होगा, क्लियर है, ये वाला, ये सॉरी ये वाला गलत होगा, क्लियर। ओ सॉरी, ये वाराणसी तो हल्दिया है अब, क्योंकि और एक्सटेंड किए गए इलाहाबाद तक, तब हो गया 1620, क्लियर, थोड़ा इधर बैलाने से है तो अब टोटल हो गया अब 1620, क्लियर है, वो भी डेटा सही है, क्लियर। फेज 1 जो था वो वाराणसी से था, क्लियर, सही है। अब देखो नेशनल वाटर वेज 2 है जो कि ब्रह्मपुत्र है,
धुबरी से सादिया तक, इसके लिए भी कोई और प्रोजेक्ट है जो कि हमें नहीं जानना है। यह है 891 किलोमीटर, आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। देख रहे हो कितना ऐसे है। उसके नेशनल वाटरवेज 3 है, जहाँ पे कोल्लम से कोट्टापुरम है, कोल्लम से कोट्टापुरम केरला में है, क्लियर। कोल्लम से कोट्टापुरम ये कैनल के मदद से जा रहा है। उसके बाद नेशनल वाटरवेज 4 है, जिसमें गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर और कन्ना और क्या है, और इसमें कैनाल है, काकीनाडा से पुडुचेरी तक। काकीनाडा ये वाला पॉइंट है, काकीनाडा कनाल का नाम आपने सुना होगा, और से पुडुचेरी तक, क्लियर है। इसमें कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूटी, जो पुडुचेरी है उस वो यूटी। उसके बाद वाटरवेज 5 देखते हैं, जहाँ पे ब्राह्मणी रिवर है और एक डेल्टा करके कैनाल है, क्लियर। ये वाली रिवर इसका है 588। इसमें कौन कौन स्टेट मदद हेल्प होगा, मतलब किसका फ़ायदा होगा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। 6 है बराक रिवर पे है, जैसे लखीपुर से भांगा, क्लियर। ये आसाम, मिजोपुरम और मणिपुर और त्रिपुरा, बराक रिवर है जो है, बराक रिवर है एक्चुअली, है दराक रिवर, ऐसा कहाँ कुछ है, बराक रिवर है ना बी। और आपको पता है बराक रिवर का ही बांग्लादेश में नाम है मेघना, वो रिवर जो पद्मा से मिलती है, पद्मा, पद्मा से मिलने के बाद नहीं, गंगा यमुना, गंगा और जमुना मिलके पद्मा बनाता है, पद्मा से मेघना मिलती है, यही बराक रिवर। एक बार यूपीएससी एग्जाम में आया था कि कौन सा ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र के नहीं, तो उसमें ये ऑप्शन गलत था, कि कौन, ये ऑप्शन जैसे ही छाटते तो हमारा आंसर आ गया था, क्लियर। तो हमने देख लिया, ये देखो कहाँ कहाँ बन गया, यहाँ पे है साहेबगंज, यहाँ पे है फरक्का, और यही दो जगह बना है, एक और है देखिए वाराणसी में ही बन गया, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। हम लोग आगे चले, 3 जगह बन गया, हमें पता होना चाहिए। हाँ देखो, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं वाराणसी से पहला फेज था, लेकिन यहाँ से यहाँ करेंगे तो थोड़ा और डिस्टेंस नहीं ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर। अब क्या हमें देखना है, ये एक फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि क्योंकि आपको पता है हमारे देश का कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट है 6100 किलोमीटर, अगर अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दे तो 7500 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। तो इसमें सबसे लंबा कोस्ट लाइन कौन है, तो आपको रखना है गुजरात सबसे लंबा है, पुडुचेरी सबसे छोटा है, क्लियर, गुजरात फिर आंध्रा, क्लियर। ऐसे याद रखना है, ये सिर्फ मेनलैंड की बात कर रहे हैं, आप इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छाटा हुआ है, बस इसमें से ये ध्यान रखना है सबसे लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू इसी पे आ जाते हैं, क्लियर। तो 2-3 याद रखना है, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा, कर्नाटका, मतलब 2-3 याद रखना, क्योंकि हो सकता है ना शुरू का 3-4 ऑप्शन या बीच का ये दे दे, मतलब एकदम बीच का तो देना इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं देते, क्लियर। अब बात करते हैं पोर्ट की, तो पोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक मेजर होते हैं, एक माइनर होते हैं, क्योंकि हमें पोर्ट भी सारा डिस्कस करना है, क्लियर। क्लियर, तो देखो मेजर और पोर्ट है, टोटल 12 नहीं भाई, अब 13 मेजर पोर्ट हो गया, एक नया पोर्ट बना है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, वो महाराष्ट्र में ही है, क्लियर। तो अब ईस्टर्न कोस्ट पे 6 हो गए, वेस्टर्न कोस्ट पे अब 7 हो गए, क्लियर। और मेजर पोर्ट ध्यान देना, मेजर पोर्ट किसके अंदर में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यूरिडिक्शन में होता है, और गवर्न किया जाता है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंदर, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, जिसमें एक इंदौर पोर्ट है वो अलग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, क्लियर। तो आप इंदौर को आप एक्सेप्शन में रख सकते हैं, और बहुत सारे माइनर है लेकिन 1/3 ही ऑपरेशनल है, क्लियर ना। तो सरकार इसको भी अगर ऑपरेशनल करते तो हमारे यहाँ और फायदा होगा। नॉन मेजर पोर्ट आती है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के मैरिटाइम बोर्ड के कंट्रोल में, क्लियर ना, स्टेट गवर्नमेंट के मैरिटाइम बोर्ड के कंट्रोल में। अब कुछ पोर्ट है देख लेते हैं, देखो जो सबसे नया बना है उसका नाम है, कहाँ पे मैंने लिखा भाई, छोड़ तो नहीं दिया, हाँ यहाँ पे यूनियन कैबिनेट, ये न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल का पार्ट है, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ कंट्रीज 13th मेजर पोर्ट एट बधावन, बाधवन इन महाराष्ट्र, क्लियर है ना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसके लीड पार्टनर है, और एक और
पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है लैंड लॉर्ड मॉडल पे। लैंड लॉर्ड मॉडल का मतलब क्या है? जमींदार वाला कि देखो ये पोर्ट होगा सरकार का, सरकार यहाँ पे लैंड लॉर्ड है, मतलब सरकार इसको पब्लिकली गवर्न करेगी इस पोर्ट को। लेकिन देखो यहाँ पे बताया जाए लैंड लॉर्ड पोर्ट, द पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटी एक्ट, पब्लिकली गवर्न मतलब सरकारी, इसको रेगुलेटरी बॉडी होगी एज लैंड लॉर्ड, लेकिन प्राइवेट कंपनीज पे अपना सारा ऑपरेशन करेगी, चाहे कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज कुछ भी। क्लियर? तो सारे एक बार पोर्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला पोर्ट है कोलकाता हल्दिया पोर्ट, इसकी बात करते हैं। कोलकाता और हल्दिया एक ही साथ नाम बोला जाता है हमेशा, वेस्ट बंगाल है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। दूसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट, इसकी बात कर रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न कोस्ट। कोस्ट तो आपको पता चल जाए, वो तो शहर का नाम पता ही करके। उसके बाद इन्नौर है, सीधे यहाँ देखिए कैंडला है, कैंडला है गुजरात में। क्लियर है? और एक और चीज, कैंडला का नाम चेंज हो गया, आपको पता होना चाहिए। कैंडला का नाम क्या चेंज हो गया? दीनदयाल पोर्ट अब नाम हो गया। क्लियर? हाँ। थर्ड क्या है? हाँ, कच्छ गुजरात के पास है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये मुंबई महाराष्ट्र में। पैराडीप पोर्ट, आपको ये भी याद होना चाहिए, पैराडीप पोर्ट यहाँ पे उड़ीसा में। क्लियर? उसके बाद कमारजार पोर्ट लिमिटेड, कमारजार पोर्ट लिमिटेड का एक कहाँ पे है? चेन्नई में है, इसकी बात कर रहे हैं। चेन्नई, इसको चेन्नई पोर्ट भी बोलते हैं। कहाँ पे यार, पता है नया नया मैंने लिया पेंट है, मुझे पता ही नहीं चला गया ये पेंट, ये जो है ना ये वाला, ये गायब हो जाता है कभी कभी। मरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट है, ये देख लो, ये मरमुगांव, ये जो गोवा है ना उसी का नाम है मरमुगांव। इस यहाँ पे मैंगलोरू है, अलग है। क्लियर है? यहाँ पे न्यू मैंगलोर। क्लियर? चेन्नई पोर्ट है। क्लियर? तो फिर ये वाला है, एक सेकेंड, तो ये नए, ये कहाँ, ये वाला कहाँ से मैंने लिख लिया? करामजोर पोर्ट ट्रस्ट, इसको थोड़ा इसको बैक पे रखिए, एक सेकेंड। कोलकाता हो गया, विशाखापट्टनम, कांडला हो गया, जवाहरलाल नेहरू, पैराडीप हो गया, मरमुगाव हो गया, कोच्चि भी हो गया हमारे ये वाला। क्लियर है? और न्यू मैंगलोर हो गया, चेन्नई भी हो गया, और चिदम्बरम पोर्ट जिसको हम टीटीकोरिन भी पोस्ट बोलते हैं, आके पता चल गया, इन्नौर पोस्ट का वो नाम है। क्लियर? इन्नौर पोस्ट का नाम है कमारजार पोर्ट लिमिटेड। क्लियर? इन्नौर पोस्ट थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मुझे भी इन्नौर पोस्ट था, लेकिन जहाँ से मैंने इसको डाला है वहाँ पे एक अलग नाम था, मैंने उतना फोकस किया नहीं, क्योंकि मैंने इन्नौर पोर्ट तो मुझे याद था कि है। क्लियर? और मुंबई पोर्ट, क्योंकि इसमें कई चीज़, जैसे ये भी नाम चेंज हुआ है अभी अभी कुछ दिन पहले, नाम चेंज हुआ है, चिदम्बरम के नाम पे पड़ा है, और मुंबई पोर्ट का तो मुंबई नाम है ही। क्लियर? नया जो पोर्ट हुआ है उसका भी नाम पता चल गया, और सस्ता है वो भी पता चल गया कि सस्ता कौन है। किसने बताया? राइट्स की एक रिपोर्ट आती है, RITES, इसकी रिपोर्ट आती है। क्लियर? ऑन इंटीग्रेटेड नेशनल वाटर वेस्ट ट्रांसपोर्ट ग्रिड, ये बता रहा था कि भाई इंटीग्रेटेड नेशनल ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं कि एक जैसे दूसरे जगह चले गए और दूसरे जगह से तीसरा जगह जा ही नहीं पा रहे हैं, अब वो वापस ही आ रहे हैं। अब यहाँ से मुझे बस एक चीज़ याद रखना है कि जो कांडला पोर्ट है ना, ध्यान देना यहाँ से, मैं एक चीज़, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो कांडला पोर्ट है वो टाइडल पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है वो नेचुरल हार्बर पोर्ट है, और JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वो टाइडल पोर्ट है और ऑल वेदर पोर्ट है। क्लियर है ना? और मरमुगांव जो है ओपन प्रोटेक्टेड है, मैंगलोर और कोची दोनों नेचुरल हार्बर है। तो देख रहे हो जो वेस्ट कोस्ट में वो ज़्यादातर नेचुरल है, सिर्फ कांडला वाला का वो है, कांडला वाला कौन है, टाइडल है। और उसके बाद देख रहे हो टाइडल वाले में होता क्या था पता है? ऐसे होता है, आपको पता है जब हाई टाइड्स आते हैं तो पानी आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये मान लो अभी ऐसे कुछ है, मान लो ऐसे है, इस पॉइंट पे है सिप अभी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बालू उलू हो गया है, चलो किसी भी तरह से आ गया। अब अगली बार जैसे टाइड आएगा ना, तो यहाँ पे पानी आ गया, तो पानी आ गया तो इसको यहाँ से उतार के आप ले जाइए। तो दिन में आपको पता है 2 बार हाई टाइड्स आते हैं, तो उस समय ये उतार देते हैं अपने आप को, सेम उसी समय चढ़ा देते हैं ऐसे। क्लियर ना? जब यहाँ पे फिक्स करना हो कुछ दिनों के लिए, 3 4 दिन नहीं जाना है, तो आप ऐसे कर दो, ऐसे होते कुछ। अब देखते हो तमिलनाडु में जो जो है ना, टूटीकोरिन और चेन्नई, ये दोनों है आर्टिफिशियल है, विशाखापट्टनम वाला नेचुरल है, पैराडीप वाला आर्टिफिशियल है जो उड़ीसा वाला है, हल्दिया ध्यान देना इसको रिवरीन है,
हुगली रिवर पे है, क्लियर। और कोलकाता इसको इनलैंड रिवर है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है कभी कभी। इन्नौर कौन है, और इसमें कुछ इन्नौर पोर्टलैंड नहीं याद रखना है, क्लियर है ना। और आपको और कुछ याद नहीं रखना, ये तो कुछ अलग डेटा है कि उड़ीसा में और भितरकनिका नेशनल पार्क है और ओलिव रिडली टर्टल्स मिलता है, ये अलग डेटा है, क्लियर। इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट है कि सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है विशाखापट्टनम। किधर है विशाखापट्टनम, ये वाला, यहाँ पे विशाखापट्टनम देखे थे ना, कहाँ पे देखे थे, यहाँ नेचुरल हार्बर है। तो वेस्टर्न वाला जनरली नेचुरल है, या तो ये टाइडल है, बाकी सारे नेचुरल नेचुरल नेचुरल, देखो ना। टाइडल सिर्फ दो है, जेन पीटी और कांडला, बाकी इधर नेचुरल है। आर्टिफिशियल देख रहे हो, तमिलनाडु का दोनों आर्टिफिशियल है, ये दोनों आर्टिफिशियल ही है, बनाया गया है, ये नेचुरल है, क्लियर। ये दोनों रिवरीन है, और यहाँ पे कुछ कुछ मिलते हैं वो तो हमने देख लिया, मतलब पैराडीप वाला भी आर्टिफिशियल है ये दोनों। इंपॉर्टेंट फैक्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट टाइडल पोर्ट है और फ्री ट्रेड जोन है, यहाँ पे ध्यान रखना है। हल्दिया पहला ग्रीन पोर्ट है और रिवरीन पोर्ट है, रिवरीन रिवर पे, हुगली रिवर। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे जो रिवर इन पोर्ट है स्पेशल है ही भाई, क्यों नहीं स्पेशल होगा, कोई रिवर पर पोर्ट बन गया स्पेशल नहीं कैसे आप बोलोगे, क्लियर। तो बस इतना ही हो गया हमारा इस पे, एक टॉपिक और है। हाँ अब तो अगर बोलोगे तो मैं आगे बताऊंगा, जिनको ज़रूरत ही है कि भाई मुझे तो वीडियो ही देखना है क्योंकि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं जो बाकी फैक्ट वाले हैं वो भी मैं बता दूंगा, जैसे आपको ऐसे करके बताऊंगा, जैसे तो मैं जब बताऊंगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बता सकता हूँ, जैसे मैं हिमाचल बताऊंगा तो हिमाचल प्रदेश के कुछ फैक्ट्स बता दूंगा, जो फैक्ट सबसे बेसिक फैक्ट होते हैं जो ज़रूरत होते हैं, जैसे कैपिटल के अलावा फैक्ट, क्योंकि आपके बुक में तो सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है। जैसे इस उत्तराखंड में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा इसके दो लेजिस्लेटिव, मतलब दो जगह लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट लगता है, जो इसका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, दो जगह लगता है, ठंडी में अलग गर्मी में अलग, इसी बताऊंगा। यूपी के बारे में भी कुछ कुछ बताऊंगा, बेसिक बेसिक फैक्ट बताऊंगा, इतना मैं ज़्यादा नहीं बता सकता सिक्किम, क्योंकि फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे तो एक ही स्टेट पे आपको कई कई मतलब कई कई मिनट में बनाया जा सकता है नॉर्मल, वैसे तो स्टेट के बारे में बहुत सारे डेटा होते हैं, क्लियर। तो बस इतना ही है, एक और मैं आपसे पूछना चाहता, तो क्या ये वाला वीडियो मैं बना दूँ, मैं तो बस अपने लिए लिख लिया छोड़ दिया, क्योंकि ये वाला मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता ये तो अब सबको पहुंच चुका है, ये भी पहुंच चुका है, ये वाला चाहते हो, जैसे पावर रिसोर्स है, तो आपके बुक में दिया हुआ था कि कुछ कुछ डैम वगैरह के बारे में दिया हुआ था कि उसका पावर रिसोर्स, तो मुझे लगा कि नहीं वो न्यूज़ का नहीं, वो करंट अफेयर्स में आती तभी वो इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं इसमें लिखा हूँ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कोर है, और जो मेजर मेजर है ना, जैसे फ्यूल न्यूक्लियर एनर्जी हाइड्रो पावर सोलर विंड टाइडल, इसके बारे में प्रोडक्शन कैसा होता है, एडवांटेज लिमिटेशन सबका, प्रोडक्शन एडवांटेज लिमिटेशन ये मैंने लिखा है, मतलब मैंने एक जैसे लिया है, एक एक साइट है आप देख सकते हो, PMS पुअर मैंस फ्रेंड IAS, क्लियर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा, ये वाला मिल जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, अगर आप बताइएगा तो, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिए मेरे नाम नंबर पे, और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच।